तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुडलक ऐप में नया अपडेट आया है, तो दोस्तों गुडलक ऐप के अपडेट आने के जितने भी उसके मॉड्यूल्स होते हैं सब में नया अपडेट आता है। तो आज आपको बताने वाला हूं उसी में से एक अपडेट के बारे में जिसका नाम है रूटीन प्लस ऐप, जिसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट के साथ क्या नया चेंजेस किया गया है और इस ऐप के अंदर होता क्या है सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आए सबसे पहले आपको मिले, और हो सके तो मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल। आपको बताने वाला हूं रूटीन प्लस ऐप के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पर जाना है गुडलक वाली ऐप में। यहां पर आपको जाना है गुडलक वाली ऐप में। गुडलक वाली ऐप में जाने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं एक बार ओपन नहीं हो रहा, दूसरी बार में ओपन हो जाएगा। गुडलक वाली ऐप में जाने के बाद यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन ऐप मिल रही है, इसका नाम है रूटीन प्लस, जिसके अंदर एक नया अपडेट आया है। जैसा कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, गो टू स्टोर में जाएंगे, तो आप देख रहे होंगे ये नया अपडेट यहाँ पर रिलीज किया गया है। अब इस ऐप का अपडेट कब रिलीज किया गया है, नीचे की तरफ आएंगे। इस अपडेट को रिलीज किया गया है 17 अक्टूबर 2023 में, जिसका वर्जन नंबर इज 1.0.44 और इसका साइज है 6.01 MB का। अब यहां पर आप देखेंगे इसमें क्या नया चेंजेस किया गया है। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है इसमें कोई मेजर चेंजेस तो नहीं किया गया, बट ये ओवरऑल इसमें 1UI 6.0 का सपोर्ट दे दिया गया और जापानीज लैंग्वेज यहाँ पर सपोर्ट की गई है और कुछ फिक्स बक्सेस किए गए। अब यहाँ पर आप बात करेंगे ऐप वर्क कैसे करती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत शानदार आप रूटीन्स लगा सकते हैं और बहुत शानदार तरीके से ये वर्क करता है। तो पहले तो कर लेते हैं इसको अपडेट, और अपडेट करने के बाद मैं बताता हूँ कि कैसे अपन इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू आप क्या क्या कर पाएंगे। फाइनली ये हो चुका है इंस्टॉल या बोल सकते हैं अपडेट। अपडेट करने के बाद वापस आपको जाना है यहाँ पर गुडलक वाली ऐप में। गुडलक वाली ऐप में जाने के बाद आपको रूटीन प्लस को ओपन कर लेना है। रूटीन प्लस मतलब कि यहाँ पर मॉडर्न रूटीन्स का ये काम करता है। इसमें और एडिशनल फीचर्स दे दिए गए, लोकेशन बेस्ड क्विक एक्सेस, रन एंड टच माइक्रो, फिंगरप्रिंट टू वेबसाइट, और ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई। लो बैटरी अनाउंसमेंट। अब मैं आपको इसको रीड करके बताऊँ, इसको आपको यूज़ करके बताऊँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें लोकेशन बेस्ड क्विक एक्सेस में। मान लो इफ लोकेशन क्विक एक्सेस, मतलब कि अगर मेरी प्लेस में माय होम में हूँ, मैं अपने घर पे हूँ, ठीक है, ये लोकेशन मैंने डाल दी। व्हेन आई लीव वाईफाई नेटवर्क ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, ठीक है, बंद हो जाए, और बटन एक्शन में कुछ भी अगर आप डालना चाहें तो बटन एक्शन भी चेंज कर सकते हैं। और देन तो यहाँ पर आप डेन कंडीशन में वो चीज़ कर सकते हैं जो आपको कराना हो। यहाँ पर आप कुछ भी करा सकते हैं, जैसे कोई ऐप को आपको ओपन करना है कि लाइक वैसे मैं घर से बाहर निकलूँ तो कोई सी भी ऐप ये एक्टिवेट हो जाए। जैसे कि मान लो मैंने डाल दिया ओपन बिक्सफी, और जैसे ही मैं अब ये लीव करूँगा तो ऑटोमेटिकली बिक्सफी वहाँ पर ऑफ ऑन हो जाएगी। सेट द रिक्वायर्ड डिटेल टू सेव दिस। यहाँ बटन एक्शन पे भी आपको यहाँ पर इसको टर्न ऑन करना है, और यहाँ पर आप बटन एक्शन को वॉल्यूम अप पे क्लिक कर दिया, डबल प्रेस, और इसको डन कर दिया और यहाँ से इसको सेव कर दिया, तो ये वर्क काम करने जाएगी। यहाँ रन अटैच मैक्रो, ये भी बहुत शानदार चीज़ है। आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट मैनुअली पे क्लिक कर लेना है और टच मैक्रो को यूज़ करना है। अब ये कैसे काम करेगा, लाइक मैंने यहाँ पर ऐड करा, ऐड करने के बाद मैंने काम किया, जैसे ही मैं ऐड ऑन करूँ उसके बाद ये कैमरे पर चले जाए, कैमरा ऑन हो गया है। कैमरा ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पर करा रिकॉर्ड पे क्लिक। अब ये काम कैसे करेगा, अब मैंने यहाँ पर क्लिक करा सबसे पहले, और फिर मैंने अपनी यहाँ पर एक सेल्फी ली, फिर एक पोर्ट्रेट में सेल्फी लेगा, ठीक है, और अब मैंने इसको कर दिया स्टॉप, यहाँ से कर दिया सेव, स्टॉप और सेव कर दिया। यहाँ पर नाम डाल दिया उसका, जो भी आप नाम डालना चाहे, और उसको कर दिया सेव, ठीक है। अब ये मैक्रो मैंने सेव कर दिया फोर नाम से, और मैंने इसको कर दिया डन। अब ये वर्क कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। टच मैक्रो पे क्लिक करा और मैंने यहाँ पर कर दिया फोर, उसको कर दिया यहाँ पर डन, और उसको कर दिया सेव। अब ये सेव हो गया और मैंने इसका रूटीन यहाँ पर होम स्क्रीन पे भी डाल दिया, और होम स्क्रीन पे आएंगे तो आपको दिख जाएगा ये आ चुका है। अब ये वर्क कैसे करेगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक कैमरा खोलेगा, आपकी लाइव फोटो खींचेगा, जैसा कि जो जो मैंने एक्टिविटी वहाँ पर करी होगी वो सेम एक्टिविटी यहाँ पर करेगा। मान लो आपको कोई ऐसी सेम चीज़ है जो आपको करना होता है, लाइक आपका ऑफिस का ऐप है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपको डेली उसको करना पड़ता है, तो आप सिंपल एक रन मैक्रो बना लो और उस पर एक बार क्लिक करोगे सेम ऑटोमेटिक वो एक्टिविटी करने लग जाएगा। तो वो भी चीज़ बहुत कमाल की है। एक चीज़ और ये यहाँ पर फिंगरप्रिंट टू वेबसाइट, मैंने यहाँ पर फिंगरप्रिंट पर क्लिक करा, लेफ्ट मैंने फिंगरप्रिंट चूज कर लिया है, और आपको क्या करना है उस वेबसाइट का नाम लिखना है जिसको आपको एक्सेस करना है। तो लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया
google.com, ठीक है, उसको डन कर दिया, उसको सेव कर दिया। अब जब भी मैं अपने मोबाइल को लॉक करके अनलॉक करूँगा लेफ्ट हैंड से, तो वो वेबसाइट वहाँ पर एक्सेस हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट यहाँ पर ऑटोमेटिक एक्सेस हो गई है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है कि आपको कोई वेबसाइट बार बार एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। और लो बैटरी अनाउंसमेंट में जाएंगे कि जब भी आपकी बैटरी लेवल कम हो तो आपको अनाउंस करके बता दे, तो वो भी आप यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। तो ये होता है रूटीन्स, और भी इसके साथ आप कर सकते हैं, और भी चीज़ यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल इसमें यही चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।